सो ये है 831 किलोमीटर्स। अभी एवरेज नहीं दिखाएगी, बाद में दिखाएगी। और नॉर्मल एवरेज हम 72 किलोमीटर्स पर आ रहा है। अभी 325 किलोमीटर्स हम और जा सकते हैं, तो ये टोटल हमारे किलोमीटर्स हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। हम गाड़ी में आके बैठ गए, कोल्ड स्टार्ट कर लिए गाड़ी। सवेरे कोहरा बहुत था तो जल्दी नहीं निकले, इसलिए अभी निकलेंगे। अभी थोड़ा कोहरा छट गया है। हमने 831 किलोमीटर का रात को चल लिए थे। अभी स्टार्ट करेंगे। अभी आगरा के स्टार्टिंग पे है, बाईपास पे है। यहाँ पर एक होटल में रुके थे। बस इसके आगे बस अब हमको आगे स्टार्ट करना है। थोड़ा बैक जाके हाईवे चढ़ जाएंगे। दिल्ली से होते हुए दिल्ली के लिए हम निकल जाएंगे। ऐसे गाड़ी में हमने कंबल वगैरह सब रखा है, इन केस अगर ठंडी वगैरह लगती है तो हम कंबल वगैरह यूज़ कर लेंगे। बाकी आगे चलेंगे, दिखाते हैं आपको रास्ते में। बाहर आप देख ही सकते हो कैसा कोहरा हुआ है। ये हाईवे है तो अभी वहाँ से पेट्रोल भरा लेंगे। यहाँ पर पेट्रोल है 96 रुपीज़, एमपी में 108 रुपीज़ है। तो हमने सोचा यहीं पे भरा लेते हैं, बाद में ज़्यादा पड़ जाएगा, 12 रुपये ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए अभी भरा के फिर हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज कितने बजे तक पहुँचते हैं दिल्ली, पहले कितने बजे तक पहुँचते हैं, फिर उसके आगे हिमाचल भी। हमको हिमाचल के लिए कम से कम 400 किलोमीटर और चढ़ना है। घाट एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो हम स्पीड तो चला नहीं सकते, तो धीरे धीरे करते हुए होपफुली आज शाम तक पहुँच जाए। आपको अपडेट करते रहता हूँ कंटिन्यू। कभी मत आना, कभी मत आना। चल क्या हो गया? चलो जावे टुट नहीं, ढोले खांदा लग नहीं। तो अभी हम नाश्ते के लिए रुक गए हैं। सवेरे के 10:30 बज रहे हैं, तो हमने सोचा अभी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता नहीं करेंगे तो बीच में रुकना नहीं होगा, क्योंकि हाईवे पे कंटिन्यूस चलना है अपन को, तो इसलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल वगैरह डला लिया था, फौजी ढाबा है, फौजी ढाबा पर खाना खा के फिर आगे निकलते हैं। खा लेते हैं। लो जी देखो सरसों के खेत, इसमें तो दिख नहीं रहे, इसमें दिख रहे। तो अभी हमारा हो गया नाश्ता, हम लोग खा के आलू पराठे, अब हम चल पड़े। चलो देखो हमारे देसी चल चले। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, एक साथ जय माता दी, एक साथ बोलो जय माता दी, जय माता दी। अबे एक साथ हो गया ये, ओपन कर देते हुए।
तो अभी रुके हैं ढाबे पे, ढाबे पे रुके थे खाना खाने के लिए रुके हैं। आज सवेरे से खाली 300 किलोमीटर ही चल पाए, बाकी अभी धीरे धीरे कवर करेंगे। दिल्ली में एंटर करने के बाद से थोड़ा ट्रैफिक था, अभी ट्रैफिक वगैरह क्लियर हो गया है, थोड़ा रुके खाना खा लेते हैं। टाइम बज रहा है 2:30 बज रहे हैं और देखते हैं अब आगे का कंटिन्यू करेंगे। बस रात तक के लिए फॉग ना हो जाए, आज रात को पहुंच जाए इतनी उम्मीद करते हैं, बाकी कंटिन्यू करता हूँ। चंडीगढ़ अम्बाला से कट करके चंडीगढ़ रोड पे गजब ट्रैफिक था, पिछले 20-25 मिनट से यहीं पर खड़े थे। हमने सोचा चलो रुक जाते हैं, चाचू पी लेते हैं। ये है केरे तारा दा ढाबा है भाई, ये अवतार दा ढाबा है, अवतार दा ढाबा। तो इधर रुके हैं, चाचू पी लेते हैं, चाय पीने के बाद फिर आगे चलते हैं। अभी हम लोग रुके हैं चाय के लिए, है मम्मी? उधर लाइट नहीं है तो उधर लगाते हैं। बाहर इतनी ट्रैफिक है, देखिएगा उधर से दिख रहा होगा साइड जा रहा है, तो जब ट्रैफिक जा रही है पता नहीं, यहाँ से 13-14 किलोमीटर ऐसे ही ट्रैफिक रहेगा। मैंने बोला अभी पहुंच गए हैं हम लोग, कहाँ पर पहुंचे भैया? अभी हम पूछ के बताता हूँ। मैं गया था जगह पूछने, अब हम लोग आ तो गए हैं, आनंदपुर साहिब है ये, आनंदपुर साहिब जगह पे हम लोग अच्छे से रुके हैं। जगह पता नहीं थी तो अंकल को पूछ के आया जहाँ पर अभी हम रुके हैं, छोटा होटल है, होटल दावत करके, तो अच्छा लगा, ठीक ठाक है। नाइट ही गुजारनी है हमको, कल सवेरे हिमाचल जाके बाकी हिमाचल जाके ही होटल करेंगे जितने दिन भी उधर रहना है। इसलिए अभी रुक गए क्योंकि रात को घाट चढ़ना और पहाड़ियाँ चढ़ना इतना आसान नहीं होगा, कोहरा बढ़ चुका है, इसीलिए अभी रुक गए हैं हम लोग। अभी खाना वगैरह खाते हैं, आराम करते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक रखूँगा मैं, आज चलाई है गाड़ी 560 किलोमीटर, ज़्यादा चलाई नहीं, सवेरे लेट निकले और दिल्ली के पास थोड़ा ट्रैफिक मिला इसीलिए ज़्यादा भगा भी नहीं पाए। अभी ऐसा है सीन कि 90 किलोमीटर बाकी है, अब हम आगे 90 किलोमीटर कल क्लियर करेंगे, कल मॉर्निंग में निकलेंगे। मॉर्निंग में निकलने के बाद बाकी कल का देखते हैं, कल का क्या प्रोग्राम है, कल हिमाचल जाके रुकेंगे
नाना नानी के घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, पैरी पहना करेंगे। बाकी अभी तक इतना ही। आज ट्रैवलिंग में उतना हैक्टिक लगा नहीं, उतना थकावट हो नहीं रही, शायद ज़्यादा चलाया नहीं या फिर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था, मतलब लेट उठे इसलिए। वरना परसों तो मैं सवेरे 5 बजे का उठा हुआ हूँ, सब कुछ कर आके रहा होके रेडी होके निकलते 7 बज गए। फिर 7 से 7 मैंने चलाई 12 घंटा कंटिन्यूस, 800-850 किलोमीटर चलाई। अब आज इतना ही, आज जल्दी रुक गए हम, कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए वीडियो में तो आपने बाकी चीज़ें देखी होगी कैसे चलाई है हमने, और मैंने ये ख़रीदा, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड, 250 रुपये का स्टैंड ख़रीदा मैंने। बोला लगाएंगे, थोड़ा टाइम लैप्स करेंगे, अच्छा चलेगा। बॉडी में वाइब्रेशन ही इतनी आ रही थी, रोड ऐसे थे, सीमेंटेड रोड की वाइब्रेशन इतनी थी कि वीडियो में आप देख ही लेंगे कि वो कैसी है, वो फ्लिकरिंग कर रही थी। अभी मैंने आईने पर लगाया है तो थोड़ा सा इस्तेमाल करा, मेरे ख्याल से मेरे को खड़ा करके इसको इस्तेमाल करना होगा, बाकी और तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा। जब होगा तब करेंगे, आप ले लिए चीज़ तो उसका इस्तेमाल करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। बाकी मिलते हैं कल आपको, ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबको प्रणाम, जल्दी मिलते हैं।